गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, हीट एंड टेम्परेचर, विच इज़ मेंशन इन योर साइंस बुक। सो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर, जो आपकी साइंस बुक में नंबर 4 पे है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद दिस बेसिक, व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज़ टेम्परेचर। फर्स्ट वी हैव टू नो, देन वी स्टार्ट अवर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, इन हीट इज बेसिक वाई वी फील हीट और कोल्ड इन मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी इफ़ यू लिव नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए, हीट है जो आप हीट और कोल्ड क्यों महसूस करते, चाहे कोई भी मौसम आपको, या तो ठंड महसूस होती है या गर्मी महसूस होती है, जनवरी में भी, दिसंबर में भी, या फिर मंथ के दूसरे में भी, जैसे मई और जून में भी। अगर आप कंट्री के दूसरी जगह पे जाते हैं, नॉर्थन साइड जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको हीट या कोल्ड, कई इलाकों में हीट गर्मी महसूस होगी और कई इलाकों में कोल्ड ठंड महसूस होगी। तो ऐसा क्यों होता है? वाई वी फील कोल्ड व्हेन यू विजिट्स हिली एरियाज़। जैसे आप हिली एरियाज़ में जाते हैं तो क्यों हम कोल्ड महसूस करते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, श्रीलंका सॉरी शिमला हो गया, आपका मसूरी हो गया, इन सब जगह पे आप जब मई और जून के मंथ में जाते तो आपको वहाँ पे क्या महसूस होता है, आपको कोल्ड महसूस होती है। और वही जब मई और जून के महीने में आप अपने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इधर देखते हो तो क्या होता है, आपको हॉट गर्मी महसूस होती है। तो क्यों, किस वजह से होती है? तो स्टूडेंट्स, बट वी हैव टू डू टू फाइट कोल्ड कंडीशंस, और जैसे कि कोल्ड कंडीशन एंड हॉट कंडीशन क्या करना चाहिए मेन से लड़ने के लिए, क्या बट वी डू टू फाइट कोल्ड कंडीशंस। देखें, कोल्ड कंडीशंस से फाइट करने के लिए कि बेसिकली है कि वी हैव टू वियर वूलन क्लोथ्स, ठीक है, स्कार्फ, शॉल, ठीक है, इन सबको हम ये सब कोल्ड कंडीशन में पहनते ताकि हमें ठंड ना लगे। ठीक है, अभी क्यों करते हैं, क्यों इसलिए, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब सूरज निकलता है, यू कैन प्ले इन सन, देन यू कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी इन योर बॉडी। आल्सो यू यूज़ हीटर्स इन योर रूम टू प्रोवाइड वार्मथ इन योर रूम एक्सेट्रा, एंड देर आर मैनी अदर थिंग्स यू कैन ट्राई टू, मतलब आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको ठंड ना लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है आपका, जैसे अब क्यों है, किस वजह से हो रही, तो वो हीट, फर्स्ट बेसिक्स है हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जो हीट है वो एनर्जी, ताकत की वो फॉर्म है जिसकी वजह से हमें एक सेंसेशन पता, एक महसूस होता है गर्मी और सर्दी का। ठीक है, किसकी वजह से, वो हीट की वजह से होता है, आपको गर्मी या सर्दी का ऐसा, आपको हॉटनेस गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, सब हीट की फॉर्म में पता चलता है। क्यों, कैसे? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। जो हायर टेम्परेचर है उससे लोअर टेम्परेचर रीजन में जो हीट है वो फ्लो करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर से आपका हो गया 100 डिग्री से लोअर टेम्परेचर 80 डिग्री, ये सब ऐसे है टेम्परेचर में होगा। ठीक है, इफ हीट एडेड टू सब्सटेंस लाइक वैन बॉयल वाटर ऑन स्टोव देन इट बिकम्स हॉट। अब देखिए, अगर जब हीट गर्मी को किसी भी सब्सटेंस में ऐड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो क्या होगा, बहुत कुछ होगा। अब देखिए, गर्मी को सब्सटेंस बढ़ाना चाहिए कैसे, अगर आपने अपने गैस स्टोव पे एक पैन रखा है, ठीक है, उसको आपने ऑन कर दिया हाई फ्लेम पे, उसमें क्या होगा, वो पैन है गर्म हो जाएगा। अब उस गर्म पैन में आप अगर वाटर डालते हैं तो क्या होगा, वो वाटर भी उस पैन के साथ साथ क्या होने लग जाएगा, बॉयल, गर्म होने लग जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, जो हीट है अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऐड की जाती है तो वो क्या करेगी, वो उसे भी हीट कर देगी, गर्म कर देगी, हॉट कर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हेन बॉडी हीटेड एनर्जी इंक्रीज। अब क्या कह रहा है, जब बॉडी हीटेड होगी, हमारी बॉडी जब गर्म होगी तो एनर्जी क्या है, बढ़ेगी, और जब व्हेन बॉडी कूल्ड होगी एनर्जी डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कैसे, जब हीट है बॉडी हीटेड होगी तो एनर्जी इंक्रीज होती है। अब सबने ये जाना होगा स्टूडेंट्स, जो आपकी हीट है, ठीक है, वो कहाँ जाती है, हॉट से वार्म से कूल एरिया की तरफ जाती है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जब बॉडी हीट होती है तो हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब बॉडी कूल होती है तो हमारी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें वार्म प्रोवाइड करना पड़ता है हमारी बॉडी को गर्म करने के लिए, ताकि हमारी एनर्जी इंक्रीज हो। ठीक है, हीट मेजर्ड बाय
चेंज इन डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इट्स प्रोड्यूस इन बॉडीज़। हमारी बॉडीज़ में कितनी डिग्री हॉटनेस है, कितनी डिग्री कोल्डनेस है, उसके बेसिस पे जो वो हीट है वो चेंजेस होती रहती है। अगर हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ा है तो हीट ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, कम होगा तो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट में क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ हीट। तो हीट की है दो टाइप की यूनिट होती है, फर्स्ट एसआई यूनिट और सेकेंड है नॉन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट है वो क्या होगी, जूल जे, जो कि हम प्रेजेंटली अब तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और जो नॉन ऐसा यूनिट है कैलोरी, कैल एंड किलो कैलोरी, मीन्स शॉर्ट फॉर्म है KCAL। ठीक है, जो आप जूल है ऐसा यूनिट उसको तो आप अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन ऐसा यूनिट है उसको आप इस्तेमाल नहीं करते। अब ये पहले के टाइम में इसको इस्तेमाल किया गया था, जैसे जैसे इंक्रीजमेंट आया है साइंस में, जो इम्प्रूवमेंट आया है, तो वैसे नहीं उसकी टर्म भी चेंज कर दी गई है। ठीक है, पहले कैलोरी और किलो कैलोरी को माना जाता था और अब जूल को ऐसा यूनिट माना जाता है हीट की। ठीक है, तो अब ये जो हीट है उसमें क्या रिलेशनशिप है, मतलब आपकी हीट में जो जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होगा, उसमें क्या आपस में कितनी सेम है ये यूनिट या कितनी डिफरेंस है देखते हैं। तो 1 किलो जूल, 1 किलो जूल कितना होगा, 1000 जूल। अब आपको पता है 1 किलो लीटर में कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, तो वही 1 किलो जूल में 1000 जूल होंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, किलो जूल को 1 kg इज इक्वल टू 1000 जूल को आप जे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसका किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। अब देखो किलो है तो किलो का मतलब होगा 1000 होगा, और कैलोरी यहाँ पे कैलोरी मैंने वापस लिख दी है। ठीक है, तो अब किलो कैलोरी के शॉर्ट फॉर्म क्या है, KCAL। तो 1 KCAL किसके इक्वल होगा, 1000 कैलोरी के शॉर्ट फॉर्म है CAL। ठीक है, ये होगा। तो अब ये क्या कह रहा है, जो 1 KCAL है वो किसके इक्वल होगा, 4.184 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, 1 KCAL इज इक्वल टू 1000 केल। तो अब है ना, हमें साइंटिस्ट ने एक टर्म प्रोवाइड की थी कि 1 CAL मीन्स 1 जो कैलोरी होती है वो किसके इक्वल होती है, 4.184 जूल के इक्वल होती है। ठीक है, किसके इक्वल होती है, 1 कैलोरी, 4.184 जूल। तो अब हम इस चीज़ को कहाँ रख सकते हैं, अब हमने पढ़ा है 1 KCL इज इक्वल टू 1000 CL कैलोरीज, तो 1 KCL इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। अब ठीक है, अब ये जो 1000 कैलोरीज है, ठीक है, ये 1000 मैंने यहाँ लिख दिया। अब कैलोरी, ये जो कैलोरी है इसको, ये जो कैलोरी है यहाँ पे, ये अब इसकी फॉर्म ये इसकी इक्वल थी, 1 कैलोरी इसकी इक्वल थी, तो मैं 1000 इंटू ये लिख सकती हूँ ना। ठीक है, कैलोरी हट के ये आ जाएगा 4.184 जूल। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4184 जूल। तो अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो 1 KCAL है वो किसके इक्वल होगा, 4.184 जूल के। ठीक है, अब 1 KL तो 4.184 जूल था, और 1 KCL होगा 4.184 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी की कितनी फॉर्म में हीट है वो कन्वर्ट हो सकती है, तो देखिए कई चार मेन टॉपिक है, जैसे कि इन स्टीम इंजन जो पहले की ट्रेन में इस्तेमाल की जाती थी, भाप वाले इंजन, उसमें कहते हैं जो हीट एनर्जी है ऑफ कोयले की जो हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोपेल द ट्रेन। अब जो हीट एनर्जी है कोल की उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम ट्रेन को चला सके। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो हेल्प अस टू डन अवर वर्क, हमारे काम को पूरा करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि हमें कोई स्टोन है, बड़ा सा स्टोन यहाँ से वहाँ उठा कर रखना है, तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी हेल्प करेगी उस काम को करने में। ऐसे ही जो हीट एनर्जी है कोयल की, तो हीट एनर्जी क्या होगी, हीट एनर्जी होगी जो हमारी एनर्जी है ट्रांसफ़र हो रही है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। अब देखिए हीट एनर्जी जो कोयले में जो कुछ ही एनर्जी तो वो ट्रांसफ़र हो रही है किस में, ट्रेन के उस वो बॉइलिंग कोयल में। ठीक है, अब जब आप कोयल को जलाएंगे तो उसकी एनर्जी बर्निंग कोयल में ट्रांसफर हो जाएगी, तो उससे हेल्प होगी ट्रेन को चलने में। ठीक है, जैसे कि सिंपली आप बोल सकते हैं हीट एनर्जी जो अर्थ है, अर्थ की जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, ऐसे ही उसे क्या कहेंगे, हीट एनर्जी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इन ए पावर हाउस हीट एनर्जी और बर्निंग कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो हीट एनर्जी है जो मतलब जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही है, ठीक है, अब जो इसमें जो बर्निंग कोल की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पास हो रही थी, अब
इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी, जो एनर्जी फ्लो हो रही है किसके रूप में, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो होगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रिकल हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला हीटर है, उसमें आप जब ऑन करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आएंगे उसके अंदर फ्लो होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर वापस से हीट, क्योंकि जब उससे रेडिएशन निकलती है वो हीटर के पास आप जब बैठेंगे तो आपको गर्मी सी महसूस होगी, तो आपको क्या मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है, कार ब्रेक्स गुड एग्जाम्पल ऑफ, जो कार ब्रेक लगते हैं कार में वो किसके एग्जाम्पल है, जो जो कार्स कन्वर्टिंग कार मैकेनिकल एनर्जी, जो कार की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ताकि हम जो कार में है ब्रेक को लगा सके, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं हीट एनर्जी के फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो टूडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन दिस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। फर्स्ट इज राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, एंड नेक्स्ट है स्टेट टू अप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन की दो अप्लीकेशन बतानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दैट्स इट फॉर टूडे, थैंक यू।